नमस्कार, पुनिया बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता पुनिया सातरोड कैंटीसार से आज फिर सुंदर सुंदर सूट बन के आए हैं। एक पीस टाई एंड डाई का और एक्स्ट्रा होके आया है। जो बन के आए थे ऑर्डर के थे वो तो मैंने साथ के साथ पार्सल निकाल दिए, और जो बाकी के ऑर्डर थे वो डाई हो रहे हैं, क्योंकि टाई एंड डाई में थोड़ा टाइम लग गया करे, 2-3 दिन का। एक सूट 3 बार डाई करना पड़ा है, बार बार में, तो जब जाके टाई एंड डाई सूट बना है। ये देखो जॉर्जेट का पीस है, ये सूट है पूनम जी का, ये देखो मेरी जिठानी का है, यो टाई एंड डाई करवाया है। देखो ग्रे कलर और इसमें नियोन शेड डलवा दी और ये दुपट्टा करवा दिया, ये देखो टाई एंड डाई का दुपट्टा। इस दुपट्टे के अंदर बने हुए हैं ये 4 बूटे टाई एंड डाई के, ऑल ओवर सूट है। और पूनम ने करवाया है इसके ऊपर एक कमीज और, इस कलर का डार्क ग्रे कलर का कमीज, उसके ऊपर हो जाएगी इस कलर की कढ़ाई येलो कलर की। तो एक सूट 2 जगह 2 अलग लुक में बनेगा और लुक भी आओगी। और मतलब यूं लगा लो जूट का जॉर्जेट का कपड़ा इस टाइप का है, कंफर्टेबल है, फिटिंग भी अच्छी आओगी। गर्मी सर्दी दोनों टाइम डालोगे तो यूं महसूस नहीं होगा कि गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी। अगला सूट है सुशीला जी का है। सुशीला जी ने 2 कमीज बनवाई है जिसमें तो एक कमीज यो है, जिगजैग जूट है, व्हाइट कलर का है, और सुशीला जी ने बनवाई है गन, ये देखो ब्लैक कलर की गन बनवाई है, पूरे फ्रंट के ऊपर ब्लैक कलर के सीक्वेंस लगवाए हैं, ये देखो धागा डलवाया है, बंदूक जमानू बढ़िया बना रखी है, खूब सुंदर है। और ये देखो कितना बड़ा डायमंड डाल रखे है इसके अंदर, खूब सुंदर काम है, हर एक काम ओरिजिनल, सारा काम ओरिजिनल है, हर एक मोती सीक्वेंस सब कुछ ओरिजिनल है। और इसकी बाजू नहीं है, बिना बाजू मतलब बाजू के ऊपर वर्क नहीं है इसके, पूरा फ्रंट पर सीक्वेंस और ये बंदूक है। अगला सूट है ये है डॉक्टर मीनू का, जैसे प्रीति ने बनवाया था, डॉक्टर प्रीति ने सेम वैसा ही सूट डॉक्टर मीनू ने बनवाया है, उनको प्रीति जी का सूट बहुत पसंद आया था, ये देखिए ऑर्गेंजा में ही करवाया है, सेम रॉयल ब्लू कलर। और ये देखो पूरे फ्रंट के ऊपर बूटी, बहुत ही प्यारी बूटी है, पार्टी वियर लुक है इस सूट का। इस सूट को अगर आप चाहो सलाह, मैं हर एक वीडियो में जहां तक मेरा मेरे से होता है मैं सलाह देती हूँ। ये देखो घेरा बनवा रखा है, अगर इसी चीज को आप यूं चाहोगी थोड़ा सा चेंज करना है तो यही चीज आप प्लाजो पर, नॉर्मल प्लाजो जो 11-12 इंच के है, प्लाजो के ऊपर और बाजू के ऊपर बनवा सकते हो। और घेरा नहीं बनवाना चाहो तो अपने तरीके से इसी डिजाइन को आप चेंज कर सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनेंगे। फ्रंट के ऊपर अगर ये फूल बनवाना चाहो तो ये फूल भी पूरे फ्रंट के ऊपर फूल फूल हो जाएंगे, और एक एक बाजू के ऊपर, तो इसमें भी डिजाइन के अंदर भी डिजाइन ढूंढ सकते हो आप, कोई भी डिजाइन बना सकते हो, वो बात है कारीगर के हाथ में। अगर कारीगर ऐसा है कि यूं अपने हरियाणा में बोलते हैं कि उड़ता पंछी छाप दिया, वो चीज है कारीगरी, तो जो भी डिजाइन आप बताओगे वो चीज बनवा के देंगे आपको। ये देखो ये दुपट्टा है डॉक्टर मीनू का, टाई एंड डाई दुपट्टा करवाया मीनू जी ने, ये देखो टाई एंड डाई के जितने देखोगे उतने ही ज्यादा डिजाइन है, कोई भी डिजाइन ले लो, कोई भी कलर ले लो, अपने अपने दिमाग की बात है, अपनी अपनी पसंद की बात है, जिसको जो चीज पसंद आए वो चीज बनवाए। अगला सूट है ये देखो हासी से है ये दीदी, इनके पास इतना प्यारा दुपट्टा था, उनकी शादी का दुपट्टा है, शादी का दुपट्टा भी अभी तक रख रखा है, ये देखो टाई एंड डाई दुपट्टा, कितने सालों पहले भी ये टाई एंड डाई चल रही थी, आज फिर दोबारा ट्रेंड आ गया इसका। ये देखो दुपट्टा बहुत ही हैवी था, धागे वाली मशीन की कढ़ाई, ये देखो इस लेस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पुराना दुपट्टा है, क्योंकि उस टाइम में ये लेस होती थी। तो इस सूट के दुपट्टे के ऊपर करवा दिया मैंने प्लेन जूट का कपड़ा, डबल शेड का सूट करवा दिया, जैसे जिसमें कमीज का घेरा और बाजू होगी डबल शेड की, ये देखो, और घेरे पर और बाजू पर जो दुपट्टे के अंदर वर्क था सेम वही वर्क करवा दिया, ये देखो काम में कमी हो, जो चीज है वैसी की वैसी बना के दे रहे हैं, मतलब जहां तक होता है अपना 100 से 101% लगा रहे हैं, ताकि कस्टमर हमारा खुश होना चाहिए, कि पैसे अगर जो दे के जा रहे, चाहे 2000 दे के जा रहे हो तो 2000 दुखने नहीं चाहिए उनके। ये देखो ये बाजू है, ये घेरा है, और ये देखो अब सूट का लुक,
के देख के आप यूं बता दो कि ये दुपट्टा पुराना है, कोई भी नहीं बता सकेगा कि दुपट्टा पुराना है। ये देखो लुक सूट की, गजब का सूट है, बहुत ही सुंदर सूट है। डबल शेड ऊपर से स्किन, नीचे से मैरून, नीचे से मैरून कलर। ये देखो टाई एंड डाई का दुपट्टा उनके पास है, लोग पैसे दे के बनवा रहे हैं, उनके पास बना बनाया दुपट्टा है। अगला सूट है ज्योति जी का, ज्योति धनखड़ का, प्लेन जूट है, मैरून कलर है, ना तो रेड कलर ना मैरून कलर। ज्योति जी ने बनवाई है गन, ये देखो बहुत ही प्यारी गन बनी हुई है, ये देखो काम में कोई कमी नहीं है। और ये है दुपट्टा, दुपट्टे पे ज्योति जी ने लगवाई है झाड़ू वाली लेस, ये देखो झाड़ू वाली लेस। लेस लगवाऊंगी पसंद के हिसाब से, जो चीज आप कहोगे, जो लेस मेरे पास होगी, जो मैं ला सकती हूँ वो वाली लेस लगवा के दूंगी मैं आपको। आगे है सोनिया जी का सूट है, ये देखो सोनिया जी ने करवाया है पूरे घेरे के ऊपर स्प्रिंग का काम है, व्हाइट जिगजैग जूट है, घेरे के ऊपर स्प्रिंग का काम करवा लिया, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे इस तरह से, और पूरे फ्रंट के ऊपर सीक्वेंस करवा ली, और ये करवा ली बाजू। ये देखो ये बाजू, बाजू पर एक एक फूल, और अब देखो पोंछे, पोंछे भी करवाए हैं, प्लाजो पर मोरी करवाई है, ये देखो 12 इंच की मोरी है, 3 आगे और 3 पीछे फूल है, तो ये प्लाजो पर और बाजू पर और घेरे पर है, और साथ में है ये व्हाइट दुपट्टा। व्हाइट दुपट्टा लेके जिस कलर के फूल बनवाए हैं उसी कलर की लेस है, ये देखो सोबर सा प्यारा सा सूट तैयार है। व्हाइट सूट की लुक अलग ही है, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, इनका ना तो कभी फैशन जाता और ना कभी ये मतलब यूं होता कि ये सूट डाले या ना डाले। व्हाइट सूट का क्रेज बहुत ज्यादा है, ब्लैक का भी बहुत है, और ये देखो कॉफी कलर का सूट, ये सूट है पूनम जी का, जिगजैग जूट के ऊपर है, फुल मजबूत कपड़ा है, जितनी सेल्फ वाला कपड़ा है उतना ही ज्यादा मजबूत है। ये पूनम जी ने करवाया है गला और बाजू गोटा पत्ती के साथ, ये देखो गोटा पत्ती डलवा दी और बीच में डार्क पीच कलर डलवा दिया धागे का, जरी सीक्वेंस और व्हाइट मोती है फ्रंट के ऊपर, ये देखो यहाँ पे गला आएगा, और ये है बाजू, ये बाजू का काम है, बाजू पर भी गोटा पत्ती बनी हुई है। कॉफी कलर का दुपट्टा पूनम जी के पास पहले से ही था, तो उस दुपट्टे के साथ में सेम सूट डाई करवा दिया और वर्क करवा दिया। तो ये थे आज के ऑर्डर वाले सूट। अगर आपको हमारी कढ़ाई पसंद आती है, कपड़ा पसंद आता है, तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।